अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी स्वीट डिश लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इजीली बन जाती है बिना कोई झंझट के, बिना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होता है, आप इसे कोई भी अपने फेस्टिवल पे बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोल वाली मठरी जो कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनने वाली है और बहुत ही ललचाने वाली होने वाली है। इतनी खस्ता मठरी विदाउट एनी बेकिंग पाउडर एंड विदाउट एनी बेकिंग सोडा कैसे बन जाती है ईजिली, आज आप इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, अगर आप आपके चैनल बिस्मिल्लाह किचन फूड्स पर नए हैं तो जल्दी से आपके चैनल बिस्मिल्लाह किचन फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए गाइस, सबसे पहले मैं अपने बोल में 1 1/4 कप मैदा ले लूँगी, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर जो कि फर्स्ट एंड मेन इंग्रेडिएंट है। इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी यहाँ पे मैंने बारीक सूजी ली है जो कि यूज़ होती है हलवा बनाने के लिए भी, तो बारीक सूजी आप प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों एक साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी, जिससे अपनी परफेक्ट खस्ता पूरियों के लिए बढ़िया सा मोयन मिलेगा और साथ ही इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। और अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो सूजी और मैदा है वह अपने घी के साथ अच्छे से बाइंड होने लगे। इस तरीके से दबा दबा कर आपको जो है अपनी सूजी और मैदा उन दोनों को बाइंड करना है अपने घी के साथ। एकदम आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ, बस ऐसे ही आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसी को अच्छे से मिक्स करते टाइम आपको अब ऐड कर लेना है इसके अंदर 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट होता है स्वीट डिशेस में, बहुत से लोग नहीं ऐड करते हैं, बट सॉल्ट ऐड करने से ये होता है कि जो मीठा टेस्ट होता है अपनी स्वीट डिश का वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो अगर आप इसे इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी खस्ता पूरियाँ बहुत ही बढ़िया बनेंगी। इस तरीके की मठरियाँ ट्राई कीजिए आप, और ये जब ये इस तरीके का बाइंड होने लगे, आप देख सकते हैं इस तरीके का बाइंड होने लगे, तब आप समझ जाइए ये अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसका डो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरीके का 1/4 कप पानी लिया है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाऊंगी। स्मॉल अमाउंट में मैंने पहले ऐड किया है पानी इसमें, और फिर इस तरीके से मैं डो बनाने की कोशिश करूंगी। आपको इसमें मुक्कियाँ नहीं लगाना है, आपको अपनी फिंगर्स की हेल्प से उन पर प्रेशर ऐड करते हुए बाइंड करना है उसको, और उसी तरीके से आपको डो बनाते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका जो है बाइंड करते जाएंगे और इसका डो बनाते जाएंगे। मुक्कियाँ बिल्कुल नहीं लगानी है इसमें, बस इसी तरीके से आप इसे मिलाते जाइए और करते जाइए। इस तरीके का रेडी हो गया है हमारा डो, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसका टेक्सचर कितना है। बस ऐसे ही आपको अपना डो रेडी कर लेना है एंड देन इसे रेस्ट पे रखना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स हो गए हैं हमारे डो को रेस्ट किए हुए, और ये देखिए इस तरीके का टाइट हो गया है थोड़ा सा हमारा डो, क्योंकि जो हमारा जो मैदा और सूजी थी उन लोगों ने अच्छी तरीके से बाइंड हो गए हैं साथ में। तो इस तरीके का ये हो गया है। किचन प्लेटफॉर्म पे मैंने इस तरीके का मैदा फैला लिया था और इसके इस तरीके से रोल कर लूँगी मैं अच्छे से। आपको इसे प्रेशर अप्लाई करके इस तरीके से आपको इसे रोल रोल करते जाना है, और जब ये इस तरीके से हो जाए तब इसको हम पीसेस में कट कर देंगे। मैं इसे जस्ट 2 पीसेस में कट करूँगी और इसका आगे का प्रोसीजर फॉलो करूँगी। बस वैसे ही जैसे हम रोटी बनाते हैं उसके गोले को हम इस तरीके से रोल रोल करके बॉल में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन प्रेशर अप्लाई करके इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। लंबी सी जस्ट रोटी की तरह आपको इसे बेल लेना है, ज़्यादा आटा अप्लाई नहीं करना है, ये ऐसे ही अच्छे से बेल जाएगा अपने आप। और इसका ऐसे राउंड बन जाने पर अब हम लेंगे एक ग्लास, आप कोई भी इस तरीके का राउंड शेप ग्लास या कुछ भी ले सकते हैं, कटर भी ले सकते हैं, एंड देन आपको इस तरीके से राउंड शेप्स इसमें से निकाल लेना है। अदर देन राउंड शेप आप कोई भी शेप ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे राउंड मठरियाँ बना रही हूँ, गोल मठरियाँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे राउंड शेप यूज़ किया है।
इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कौन सा शेप यूज़ करना है और कौन से शेप की आपको मठरियाँ बनाना है। ये सभी राउंड शेप्स को हम कलेक्ट कर लेंगे और रेडी कर लेंगे आगे के प्रोसीजर के लिए। और जो ये बाकी का रिमेनिंग पोर्शन बचा है जो राउंड शेप में कट नहीं पाया है, उसको मैं वापस से रोल ऑन करके उसे वापस से बेल कर मैं इसी तरीके से राउंड शेप्स अपने जो है वो मैं निकालूंगी। सभी आटे को मैंने यूटिलाइज़ करके अपने शेप्स निकाल लिए थे राउंड शेप, और अब मैं आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके लिए जो मेरे राउंड शेप्स थे उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी अप्लाई कर रही हूँ, और इस वे में मैं इसके ऊपर दूसरा राउंड शेप लगा कर इसे मैं स्टिक कर रही हूँ टुगेदर। पानी हम ऐसे ही मिडल में अप्लाई करते जाएंगे जस्ट इन द सेंटर, और अपनी सभी राउंड शेप्स को इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मिडल सेंटर में प्रेशर अप्लाई करके इस तरीके की पॉइंट निकाल रही हूँ। बस ऐसे ही आपको यहाँ से इन चारों को प्रेशराइज करके एक दूसरे के साथ चिपकाना है उस पॉइंट पे और इसे रेडी कर लेना है। ये मैंने चार राउंड शेप्स को एक साथ लेकर करा था। आप चाहें तो इसे जस्ट टू सिंगल राउंड शेप्स में भी आप कर सकते हैं जैसे मैं अब कर रही हूँ। वो चार शेप मैंने ऐसे ही आपको बताए हैं, आप उस तरीके से भी है चार शेप्स को मिला के भी कर सकते हैं, और ये इस तरीके से जस्ट टू राउंड शेप्स को मिलाकर भी कर सकते हैं। ऐसा आपको इसे रेडी कर लेना। आप देख सकते हैं इस सेंटर में ये कैसे एक दूसरे से स्टिक हो गए हैं उस पॉइंट पे। तो बस ऐसे ही आपको अपनी सभी राउंड शेप्स की मठरियाँ बना लेना है। ये सेकेंड वे है जिस तरीके से आप अपनी राउंड लेयर्ड मठरियाँ बना सकते हैं। एंड जो थर्ड वे है वो आप डायरेक्टली इस तरीके से जो हमने राउंड शेप कट किया था उसी को थोड़ा सा बेल लेंगे हम, उसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम ऐसे ही इसको रेडी कर लेंगे। इसकी थिकनेस आप नोट कीजिएगा, इतनी ही पतली होनी चाहिए आपकी एक सिंगल मठरी। सो मैंने इस रेसिपी में थर्ड स्टेप ट्राई किया है एंड आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए जो तेल है मैंने तेल हीटिंग के लिए रख दिया था, बहुत ही अच्छे से वो हीट हो चुका था फुली। उसके बाद मैंने इसके अंदर मठरी ऐड की है। जब आपका ऑयल हीट हो जाए हाई टेम्परेचर पे आपको उसके बाद ही इसके अंदर मठरी ऐड करनी है, और जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है। आप हाई फ्लेम पे इसे करेंगे तो जल्दी से आपकी मठरी जो है वो बाहर से उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर में, बट वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए आपको इस बात को नोटिस करना है। एंड उसको आपको जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पे रख के इसे आपको फ्राई करना है। कितनी अच्छी फूली है हमारी मठरी, आप ये देख सकते हैं, इतनी प्यारी लग रही है वो भी बिना कोई बेकिंग सोडा एंड पाउडर के। बस ऐसे ही आपको अपनी सभी मठरियों को फ्राई कर लेना है एंड रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से इतनी देर में ये रेडी भी हो गई है हमारी पूरी, और हम अब इसे अब बाहर निकालेंगे, और बाकी सारी पूरियाँ भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इतनी पूरियाँ रेडी कर ली है। बस इसी तरीके से आपको अपनी सभी पूरियों को रेडी करके आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके लिए अब आपको क्या करना है कि अपनी बढ़िया सी थिक चाशनी रेडी कर लेना है आपको, और अपनी जो पूरियाँ आपने रेडी की है उनको अच्छे से इसके अंदर डिप कर लेना है, ताकि ये पूरी तरीके से जो चाशनी है वो एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर अच्छे से। एंड जस्ट 15 सेकेंड्स तक का आप उसे अंदर रहने दीजिए और फिर वापस बाहर निकाल लीजिए, बिकॉज इतनी सी पूरी है कितनी चाशनी पिएगी वो। थोड़ी सी आपको बस इसको 15 सेकेंड तक का आपको इसके अंदर डिप करके रखना है एंड देन इसको आपको बाहर निकाल लेना है निथार के। चाशनी बनाना भी बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो मैं उसकी रेसिपी सेपरेटली अपलोड कर सकती हूँ इफ़ यू कमेंट डाउन बिलो, बट इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया था कि मैंने ना 1 glass वाटर बॉइलिंग पे रखा था एंड देन उसके अंदर मैंने 1.5 cup शुगर ऐड की थी, और फिर उसको पकाया मैंने अच्छी तरीके से जब तक कि वो इस तरीके की थिक कंसिस्टेंसी ना पाले। इस तरीके की हो जाने के बाद मैंने जो है अपनी चाशनी निकाल ली थी, और इस तरीके से अब मैं उसको अपनी पूरियों को इसके अंदर मैं डिप कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी सेपरेटली आपको अपलोड करके बताऊं, सो दैट विल बी पॉसिबल इफ़ यू जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, एंड देन मैं उसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। और ऐसे ही अपनी सभी मठरियाँ रेडी कर लीजिए और डेकोरेट कीजिए उसको इस तरीके से केसर के साथ,
बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बनती है ये मठरिया। इसे ट्राई कीजिए अपने फेस्टिवल्स पे एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये मठरियाँ कैसी लगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपके चैनल बिस्मिल्लाह किचन फूड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी ही नई नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तो गाइस, मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।